हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, आज हमारे इस वीडियो इंटरव्यू में है हमारे साथ शालू मिश्रा जी, और इन्होंने यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी, ताकि आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी अपने इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो सबसे पहले शालू मिश्रा जी, आप अपने बारे में बताइए। सर, थैंक यू सर सो मच। सर, मेरा नाम शालू मिश्रा है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, और मैंने बी कॉम किया है, उसके बाद एम कॉम किया है, और रिसेंटली मैंने अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है, जून वाला, जून ओके 2024। ओके ओके तो शालू जी, आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, किन किन चीजों को ध्यान में रखकर के आपने स्टडी करी है। सर, टू क्रैक दिस एग्जाम माई स्ट्रेटेजी वॉज वेरी सिंपल। आई फॉलो अप 3 पॉइंट्स, बेसिकली 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और ओके उनको लगाना है, ताकि ठीक है। आपको पता चले कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस एरिया से क्वेश्चन बनने हैं। सेकेंड पॉइंट, अपना लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है, मल्टीपल रिविजन रखना है, जो बेसिक जो आप अपना आपने ग्रेजुएशन और पीजी के ड्यूरिंग फेज में आपने जो स्टडी की है उसको ध्यान में रखते हुए कवर अप करना है। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप कोई वीडियो लेक्चर्स और क्या कहते हैं कोर्सेज ले सकते हो। जैसे कि मेरा बहुत टाइम से मैनेजमेंट का टच नहीं रहा था, तो वो कुछ टॉपिक्स यूनिट जो मुझे पर्टिकुलरली न्यू चीजें थी, स्क्वायर अपोजिशन फर्स्ट पेपर में होता है, सेकेंड में भी कुछ यूनिट्स थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने पास से नहीं कवर अप कर पाऊंगी, तो उसके लिए मैंने आपके कोर्स से हेल्प ली और वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके अटेंड किए, तो वो टॉपिक्स मैंने वहां से कवर किए। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस कि मैंने मॉक टेस्ट जो थे आपके ऐप पे अवेलेबल थे मेरे को, और कुछ मैंने कोर्स परचेज किया था तो उसमें ही मुझे मॉक टेस्ट दिए थे। तो मॉक टेस्ट हो सकते हैं कि मेन एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट हो, पर लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें गैस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक जो है मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ये तीनों पॉइंट को फॉलो करके ही मैंने एग्जाम क्रैक किया है। ओके 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 तो जैसे कि आप बता रहे हो, कुछ टॉपिक नए आपको देखने को मिले, जैसे क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन, आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा होगा यहाँ पर इस एग्जाम के लिए। तो इस तरह के जो टॉपिक थे, आपने जब लेक्चर्स वगैरह देखा तो लेक्चर्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ गया था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। यस सर, तभी तो एग्जाम क्रैक कर पाई हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक नेशनल लेवल के एग्जाम आपने क्रैक किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो शालू जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने पीवाईक्यू पर फोकस किया ताकि आपको पैटर्न पता चले, उसके बाद आपने रिसोर्स, जैसे कि आप बता रहे हो कि जो आपका कंटेंट है आपको उसने अच्छे से कवर किया, आपने अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे और रिविजन पे ध्यान दिया, आपने रिवाइज जरूर किया उस चीजों को। उसके बाद यस आपने सर, प्रैक्टिस करी है किसके थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, क्योंकि एग्जाम अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। इससे आपका हाथ बैठ जाता है, आपको आइडिया लग जाता है किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। यस तो सर, इस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बताइए। ओके, तो शालू जी, अब आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में आप? सर आफ्टर दिस एग्जाम ये है कि मैं आपको पीएचडी में एनरोल करूंगी, जो ओके भी अच्छा रेपुटेड कॉलेज और जो भी मेरे को लगेगा कि मेरे लिए सुटेबल है। पीएचडी के लिए इनरोल करने के बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी एज अ ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। उसके बाद उसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी को मैं फॉलोअप करती रहूँगी, और यही मेरा भी प्लान है कि मैं ओके दोनों ओके चीज़ पैरेलल चलाऊँ। ओके ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है तो आप काफी कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आपने काफी मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक किया। और जैसा कि हमने देखा कि इस बार जो टफनेस लेवल था, सभी सब्जेक्ट का काफी हाई था, तो इस टफनेस लेवल होने के बावजूद आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप डिजर्व करते हो सब चीजों को। तो शालू जी, आप किसी को लास्ट में कुछ कहना चाहते हो, कुछ कोई थैंक्स, कुछ ऐसा अपने पेरेंट्स का कुछ मेंशन करना यस चाहते हो सर, तो कर मैं सकते हो। बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतना, मतलब क्या कहते हैं, इस बार अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आ गया है, तो उसमें भी नाम आना एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थैंक्स टू माय फैमिली, टीचर्स, थैंक्स टू यूजीसी नेट मेंटर जिसने हमेशा अपनी गाइडेंस जो अवेलेबल कराई है जब जब हमको जरूरत पड़ी है। अभी भी मैंने पूछा तो टाइम टू टाइम अवेलेबल है, तो थैंक्स टू ऑल। जी, शालू जी, तो देखो, हम यहाँ पर एज ए टीचर ना सिर्फ आपको नेट की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, बल्कि हम आपको फ्यूचर के लिए भी गाइड करते हैं। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट पीएचडी के बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए हो, देन यू कैन कॉल। सो थैंक यू सो मच शालू जी, टाइम निकाल के आपने इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी और स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, आ जाएगी कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके शालू, बाय।